अस्सलाम वालेकुम। हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है कीपा में जो ऑफर्स हम देखते हैं। स्पेशली ये वीडियो उस वक्त बन रही है जब ये COVID-19 की सिचुएशन बनी हुई है और काफी सारे FBA सेलर्स जो है वो आउट ऑफ स्टॉक जा रहे हैं और नई नई शिपमेंट्स नहीं भेज सकते क्योंकि अमेजोन ने सस्पेंड की हुई है शिपमेंट्स इस वक्त। और कंसर्न ये है कि इस सिचुएशन में कीपा के ग्राफ को या कीपा का डाटा कैसे देखा जाए इन टर्म्स ऑफ के डिसाइड हमें ये करना है कि आया वो प्रोडक्ट पिछले FBA सेलर्स बेच रहे थे या नहीं, या उसमें हमें एंटर होना चाहिए या नहीं। तो इस वक्त मैं ये वो प्रोडक्ट है जिसमें मैं शायद कभी भी काम नहीं करना चाहूंगा, ये आईफोन है। लेकिन इस वक्त थोड़ा सा डाटा हमें इससे अच्छा मिल जाएगा जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी और प्रोडक्ट के ऊपर। अच्छा, मेरी स्क्रीन पे कुछ और टूल्स आपको नजर आ रहे हैं जिसको फिलहाल आप इग्नोर कर सकते हैं। मैं नॉर्मली काफी सारे टूल्स परचेज कर लिया करता हूँ और छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन कहीं से मुझे नजर आ जाती है जो मुझे अच्छी लगती है तो मैं वो इस्तेमाल करता हूँ। तो फिलहाल हमें बात करनी है कीपा की। जो बाय डिफॉल्ट आपके पास कीपा का ग्राफ आता है वो ये है, ठीक है। अब आप इसमें यहाँ पर एक एक क्लिक करके भी देख सकते हैं कि ये जो भी ये सेलर का नाम है वो ये आ रहा है। फिर इसको पीछे आप जाएं और यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे डीटेक मोबाइल आ रहा है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि चले हमें दो सेलर के बारे में तो पता चल गया कि दो FBA सेलर्स इसके ऊपर बैठे हुए हैं। पिछले वक्तों में ऑफर की डेट भी आ रही है। इसको देखने का एक और बेहतर तरीका थोड़ा सा है जो कि हम यहाँ आ जाते हैं डेटा में। और ये अगर आप कीपा शेयर कर रहे हैं तो डेटा का एरिया जो है वो आप ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका कोटा होता है जो आपको राइट साइड पर 92% नजर आ रहा है। और ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड है तो मेरे ख्याल से ये फ्री में नहीं है। दूसरी बात कि अगर लोग शेयर कर रहे हैं इसको तो भी ये उनके काम नहीं आ पाएगा क्योंकि जाहिर सी बात है फिर वो इसकी इसका कोटा जो है वो खत्म हो जाएगा। डेली बेसिस का ये कोटा होता है और वो रिन्यू होता है। तो आपके पास सबसे पहले तो आ रहा है प्रोडक्ट डिटेल्स जो कि हम अक्सर देखते हैं। इसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिससे हमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है। जैसे 90 डेज का एवरेज प्राइस हमें यहाँ पता चल जाता है, एवरेज सेल्स रैंक हमें यहाँ से पता चल जाता है और ये ग्राफ के पेज पे भी वैसे आ रही होती है इन्फॉर्मेशन। अच्छा, दूसरा इसके अंदर एक और ऑप्शन है ऑफर्स का। अब ऑफर्स में यहाँ पे प्राइम पे चेक लगा हुआ है और ये कहता है कि जी 101 रॉज इसमें आ रही है। ये बाय डिफॉल्ट मैंने एक्चुअली पहले ये चेक लगा दिया था इंक्लूड हिस्टोरिकल डेटा पे, ये हटा दिया मैंने, ठीक है। अब अभी करंट जो है वो 17 रॉज ये मुझे दिखा रहा है। इसमें कोई समझ नहीं, ये डिफॉल्ट स्क्रीन है इस वक्त आपकी। जब आप लोड करेंगे तो डिफॉल्ट एज अ नया जो कीपा का ग्राफ लोड होगा वो इस तरह होगा। इसमें ये कुछ होगा यानी कि ये चेक्स लगे हुए होंगे और जो मैंने हटाए वो हटे हुए होंगे। अच्छा, ये जो ऑफर है वो 18 लोग कह रहा है कि बेच रहे हैं यहाँ पे और ये रिन्यूड कंडीशन के अंदर है। और आप देखेंगे कि 18 लोग वाकई में होंगे क्योंकि दो पेजेस आ रहे हैं और मैंने यहाँ चेक लगा रखा है प्राइम पे, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस नीचे। मैं जस्ट मेक श्योर करना चाहता था कि FBA में इस वक्त कितने सेलर्स बैठे हैं राइट नाउ। तो राइट नाउ जो है वो कह रहा है 18 है। हम इसको क्रॉस चेक मजीद कर लेते हैं कि वाकई में कितने हैं। तो नेक्स्ट पेज पे भी जाके देखा जा सकता है इसको और यहाँ पे आपके पास एक ही आ रहा है और रिन्यूड में, ठीक है। अच्छा, अब वापस आ जाते हैं यहाँ पर। तो पहले तो मैंने एक चेक लगा दिया, 11 हमें वहां पे नजर आए थे तो हमने यहाँ पर भी प्राइम का चेक लगा दिया। अब ये मैं उसी पेज पर हूँ जो मेन पेज था प्रोडक्ट का। इसमें डेटा के टैब में ऑफर्स में सब टैब जो है वो ऑफर्स का है। इसमें मैंने प्राइम पे पहला तो चेक लगा दिया तो आप देखेंगे यहाँ पर रॉज चेंज हो गई, ये भी 11 बता रहा है यानी कि हमने वहां पे वेरीफाई कर लिया था 11 थे, ठीक हो गया। अब जो बात हो रही है वो करंट सिचुएशन की हो रही है कि करंट FBA सेलर्स जो है वो इतने बैठे हुए राइट नाउ। अब कुछ स्टूडेंट्स ने सवाल किया था कि जनाब FBA सेलर अभी तो नहीं बैठे कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं अभी करंट सिचुएशन की वजह से, तो अब कैसे पता चले कि उसके ऊपर पहले FBA सेलर्स थे या नहीं थे। बड़ा आसान है, यहाँ पे इंक्लूड हिस्टोरिकल ऑफर्स पे चेक लगा दें। अब कितना हो गया, 56 हो गया, यानी कि इसने वो हिस्ट्री का डेटा भी उठा लिया कि इसके ऊपर इतने सेलर्स पिछले जमाने में या पिछले टाइम में थे। अब एग्जैक्टली आपको जो है वो सारा डेटा नजर आ जाएगा कि ये कब से कब तक का डेटा आपको दिखा रहा है और
इसके अंदर जो है ये देखें, अब फर्स्ट सीन यहाँ पे ये आ रहा है 6 मंथ्स अगो, यानी कि ये वाला जो सेलर है, क्या नाम है इसका, वन टच डील्स का, ये लास्ट सीन भी आ रहा है इसमें 4 मंथ्स अगो, यानी कि ये इस वक्त नहीं है, या है या नहीं है वो देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं इसमें रिफर्बिश था। तो ये वन टच डील्स जो है वो बता रहा है कि ये पहले था। अच्छा यहाँ पे दूसरा आ रहा है चुबीज टैक, ये 7 दिन पहले लास्ट सीन में आ रहा है, यानी कि 7 दिन पहले इसको हमने देखा था। अब यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या ये इंफॉर्मेशन ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो पहला तो हमने देखा था वन टच वाला ना, तो इस पेज पे तो वन टच नहीं आ रहा, और पिछले इसके अगले पेज पे जो है वो वराइजॉन प्री ओन्ड वाला सेलर का नाम था इसलिए मुझे याद है, और यहाँ पे वन टच नहीं है, यानी कि ये वन टच जो है वो 4 महीने पहले मौजूद था, अब उसके बाद ये आया ही नहीं है। ठीक है, फिर ये चुबी स्टैक वाला 7 दिन पहले आखिरी देखा गया, उसके बाद ये नहीं आया। इसी तरह वायरलेस वेयर हाउस, अब आपको ये सारा डाटा यहाँ नजर आ गया है, आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं CSV या एक्सेल शीट के अंदर, और आप इसका ये वाला चेक भी हटा सकते हैं कि अगर आपको यूज्ड में नहीं देखना, यहाँ पे तो यूज्ड इसलिए ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि ये सारे रिफर्बिश्ड हैं, लेकिन किसी और प्रोडक्ट के अंदर अगर जाके आप देखेंगे, जैसे मैं एक और भी देख रहा था ये वाली, ये स्टोरेज कंटेनर है आयरिस का, इसमें अमेजोन भी सेल कर रहा है, और इसमें यहाँ पर कहता है 15 लोग टोटल सेल कर रहे हैं इसको, और इसका ऑफर्स का पेज भी मैंने खुला रखा था यहाँ पे, जिसके अंदर जो है तकरीबन इसमें, लेकिन ज्यादा प्राइम नहीं है। अब आपको ये वेरीफाई करना है कि इसमें ये प्राइम थे या नहीं थे, तो हम फिर से डेटा में आते हैं, ऑफर्स के पेज में आ जाते हैं। क्या हो गया इसको, ठीक है, अब ये आपके पास ऑफर्स का पेज आ गया, मैंने इसको फिर से प्राइम का चेक लगा दिया, तो ये कह रहे सिर्फ अमेजोन बेच रहा है या वेयरहाउस में, ठीक है कोई बात नहीं, हमने इंक्लूड हिस्टोरिकल डेटा पे चेक लगा दिया। अब आपको इससे पता चल जाएगा कि अमेजोन ही बेच रहा है, अमेजोन वेयरहाउस मतलब वो तो खुद ही अमेजोन ही है, उसके अलावा इस प्रोडक्ट पे कोई और सेलर नहीं था FBA में। इसका मतलब फिर मैं वही रेकमेंड करूंगा कि इसको फिलहाल फिलहाल के लिए छोड़ दिया जाए, लेकिन अगर जो आप जो SOPs जो हमारी मौजूद है उसके थ्रू जो ब्रांड एनालिसिस आप कर रहे हैं, वो ब्रांड एनालिसिस के मुताबिक आप ब्रांड को एनालाइज कर सकते हैं अभी भी, क्योंकि आयरिस जो ब्रांड है प्रोडक्ट का, ये मुझे पर्सनली पता है, हमने इसके साथ काम किया हुआ है, तो हमें पर्सनली पता है मुझे कि इसकी और भी काफी सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर हम काम करते रहे हैं और काम किया जा सकता है। तो सिर्फ इस वजह से आप इसको छोड़ नहीं सकते कि जी इसके ऊपर तो सिर्फ अमेजोन बैठा है इस प्रोडक्ट पे, यानी कि इस प्रोडक्ट को छोड़ सकते हैं लेकिन इस ब्रांड को नहीं छोड़ सकते। तो इस ब्रांड को एनालाइज जरूर करें, उसकी आगे की जो दूसरी प्रोडक्ट्स हैं वो जरूर देखें, उसके 2 3 4 प्रोडक्ट्स देखें, उसके बाद ये डिसीजन लें कि ये ब्रांड आपके काम का नहीं है, इसकी सारी प्रोडक्ट्स अमेजोन ही अकेला बेच रहा है या बेच रहा था। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, वहां और भी सेलर्स थे उसकी हिस्ट्री में, उसकी दूसरे प्रोडक्ट्स में, तो फिर उस ब्रांड को मजीद एनालाइज जरूर करें, उसको आगे बढ़ाएं, उसमें जो भी आपकी फर्दर वर्किंग है वो जरूर करें। तो इसके अंदर आपको जो ऑफर्स का, जो डाटा के अंदर जो ऑफर्स का टैब है, यहां से आपको ये सारी ऑफर्स मिल रही है, पास्ट की भी मिल रही है, जो प्राइम चाहिए वो उठा लें, FBM ओनली चाहिए तो ये उठा लें, इससे आपका ये काम आसान हो जाएगा, आपको सिर्फ FBM ओनली चाहिए, मर्ज यानी कि जो ड्रॉप शिपर्स थे तो ये वो भी आ गए इसमें। यहाँ पे रॉस पे नजर रखें, ये रॉस चेंज करता है, अगर मैं प्राइम भी साथ शामिल कर दूंगा तो देखें अब ये 29 ओनली हो गया, जो हमने FBM ओनली कर दिया इसको और प्राइम हटा दिया, तो अभी आपके पास 70 रॉस आ गए, तो ये पिछले पिछले अरसे में यानी कि पिछली हिस्ट्री में 70 रॉस इसके पास है, 70 सेलर्स थे जो इसको FBM ओनली में भी बेच चुके हैं या बेच रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं, ये इसका तरीका है। बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक्स को भी देखा जा सकता है। ठीक है, अब देखें इसके अंदर क्या पता चल रहा है आपको, ये चुबी स्टैक वाला जो है इसको इसके 17,000 18,000 इसके तकरीबन रिव्यूज हैं। ठीक है, और इसने लास्ट वन जो किया है बाय बॉक्स वो इसको मिला है 18 तारीख को, ठीक है, मार्च की 18 तारीख को, 6 दिन पहले यहाँ पे बता रहा है, और उस वक्त जो है वो एवरेज न्यू ऑफर जो थी वो 12 थी, इसने उसके बावजूद बाय बॉक्स हासिल किया, और इसका प्राइस जो एवरेज प्राइस जो इस वक्त दिखा रहा है उस वक्त के हिसाब से ये $436 दिखा रहा है।
तो आपने इस चीज को जो है वो देख सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कारामद जो है वो आपके लिए ऑफर्स का टैब है, जिसमें आपको एग्जैक्टली वो डेटा मिल जाएगा जो कि आपको हिस्ट्री के लिए देखना था। आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू सो मच।